हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्लाजो पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो प्लाजो पैंट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, तो इस पैंट को हम एकदम रेडीमेड स्टाइल से बनाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो जैसे आपको इसकी कटिंग सीखना है और स्टिचिंग भी सीखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। हमने ये कपड़ा है वो ले लिया है, ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है, इसमें हमारा आराम से प्लाजो निकल आएगा। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका मेज़रमेंट समझेंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा मेज़रमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हमें जैसे लंबाई, हिप और इसके मोरी का नाप लेना ज़रूरी होता है। तो इसकी जो हमारी लंबाई है वो 34 इंच है और इसकी जो मोरी है वो 11 इंच है और इसकी जो हिप है वो 34 इंच है। तो इतना ही हमें मेज़रमेंट लेने की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो इसको हम जो बनाएंगे, साइड पॉकेट भी इसमें लगाएंगे और नीचे की तरफ इसके बॉटम पर हम बटन भी लगाएंगे। तो किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम क्या करेंगे, उल्टा फोल्ड करके बिछा लेंगे। जैसे ये हमने सीधा कर लिया है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में। इस तरह से हम दोनों पार्टों को मिलाएंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऊपर से हम मार्क लगाएंगे। ये जो हमारा मार्क है, ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो इसकी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल रेडीमेड पैंट की तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है 34 इंच है, तो यहाँ से इस तरह से 34 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब नीचे मोरी बनाने के लिए हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो इसमें हम जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच का। जब हमारी ये मोरी फोल्ड हो जाएगी तो 2 इंच की मोरी हमारी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने इसमें मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका 1/3 भाग करेंगे, यानी लंबाई को आप 1/3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 11 इंच पर। और यहाँ से हम एक साइड में मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी साइड में जो है पॉकेट भी बनाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसकी जो हम थाई रखेंगे वो रखेंगे, यहाँ से जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 12 इंच पर। तो ये हम 24 इंच टोटल इसकी थाई रख रहे हैं, 24 का हाफ करेंगे 12 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच सेंटर पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब इस वाले मार्क से हमें पीछे की तरफ जो फिलाई का मार्क करना होता है, जिससे हमारी जो है यहाँ फाक बनती है, तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों, इससे जब आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट ना ही खिंचाव मारती है ना ही टंगती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैठ जाती है। तो इस तरह से क्रॉस में हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सिर दे देंगे। जैसे आपने कमर का नाप लिया हुआ है, तो जितनी भी आपकी कमर है, जैसे इसकी जो कमर है वो 30 इंच है, तो 30 का 4/4 भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच और प्लस इसमें 1 इंच हम यहाँ पर जो डट डालते हैं उसका मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और इस तरह से हम इस मार्क को सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हमारी डट पड़ जाती है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इस सेंटर की मार्क को नापेंगे और उतना ही मार्क हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इसकी जो हमने मोरी नापी हुई थी वो नापी हुई थी 11 इंच, तो सेंटर से 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। तो हम सेंटर से क्या करेंगे, 1/2 इंच इस तरफ मार्क कर देंगे और 1/2 मार्क हम इस तरफ करेंगे इस तरह से। अब हमें शेप किस हिसाब से देनी है, तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे, एक ही बार में हमारी जो है इसमें शेप दे दी जाती है। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। नीचे आपको थोड़ा सा क्रॉस करना है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें मार्जिन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे अच्छी तरीके से, आपको देखना है यहाँ से आपको मिलाना है।
और यहाँ पर भी आपको एक बार इसको मिलाकर देखना है कि जो आपका जो यहाँ पर सेप है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम पॉकेट का मार्क करेंगे। तो अब यहाँ से जो हम एक मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ। यहाँ से एक मार्क किया 1.5 इंच पर। अब जो पॉकेट का मुंह रखना है वो हमें जैसे 6 इंच रखना है तो इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर देंगे। 6.5 इंच रखना है तो आप 6.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो जितना भी आपको पॉकेट रखना है उतना आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है पॉकेट बनेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गड्ढा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपको इस साइड कटिंग करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे आप इसकी कटिंग कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट को आपको एक बार इस तरह से मिलाकर जरूर देख लेना है कि जो आपने इसमें सेप दिया है वो सही है कि आपका गड़बड़ है। तो इस तरह से जब आप इसको मिलाकर देख लेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो नहीं होगी। तो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ हम एक चटका लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है पॉकेट बनेगा। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों प्लाजो पैंट कटिंग करने के कई तरीके होते हैं। तो एक हमारा जो प्लाजो है वो लूज में भी कटिंग होता है। ये हमारा पैंट प्लाजो है तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। इसमें भी कई तरीके होते हैं पैंट की कटिंग करने के। तो किसी और वीडियो में हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे इस पैंट की कटिंग करने का। इस तरह से हमने इस कपड़े को पलट कर बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो हमने पार्ट कट किया हुआ है उस पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस जो आपका सामने का पार्ट है इसमें हमारी जो है बेल्ट लगेगी और पीछे हमारी जो है इलास्टिक पड़ती है। यानी हाफ पार्ट में हमारी इलास्टिक पड़ती है और हाफ पार्ट में हमारी बेल्ट लगती है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इस पार्ट, इस मार्जिन को आप इस तरह से कर लेंगे और इधर भी आप मार्जिन को इस तरह से कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम एक मार्क कर लेते हैं। अब इसकी जो हम बैक उठाएंगे तो वो बैक उठाएंगे हम यहाँ से 1 इंच इस तरह से, और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक डालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच इलास्टिक चौड़ी डालेंगे और बॉटम हमें और इसका हमें जो है फोल्ड भी करना है। तो इस तरह से हम 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारा इलास्टिक का मार्क है तो हम यहाँ से इस तरह से 2 इंच पर एक मार्क और कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच का, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच का इस तरह से। अब इसमें भी हम सेप देंगे तो इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और इसमें हम सेप दे देते हैं। जितना मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ था उतना ही मार्क हमें यहाँ से यहाँ पर करना है इस तरह से, और इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। और यहाँ पर भी आपको इस तरह से सेप दे देना है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ से हमारी इतनी आ जाएगी और इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इस प्लाजो की कटिंग हो गई है। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम साइड पॉकेट को कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा डबल में फोल्ड है। तो इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से कपड़े को आपको सीधा कर लेना है ऊपर की तरफ से, और पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 6 इंच या 6.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 14 इंच। तो इस तरह से 14 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं।
और यहाँ पर हमें जो है राउंड देना होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से राउंड बनाकर यहाँ पर राउंड दे देते हैं इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से पॉकेट कट हो जाती है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस प्लाजो की हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक के पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, और इस तरह से हमने ये इस पॉकेट को कट कर लिया है। तो ये हमारा टोटल खर्चा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट में हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो पॉकेट है इसको हमें इस तरह से सीधा रखना है, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और आपको ये मार्क दिख रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। यहाँ पर छटका लगाना है, इसको अच्छी तरीके से पलटना है। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। यहां पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स इस पॉकेट को हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लेंगे, लेने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको हम पलटेंगे, यहां पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको पक्का करेंगे। पॉकेट को अच्छी तरीके से जमाकर बिछाना है। तो इस तरह से हम इस पार्ट पर इस पॉकेट को सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और यहां पर सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप सिलाई यहां से लगाएं तो आपकी जो पॉकेट है वो दबनी नहीं चाहिए। और जैसे ये जो मार्जिन है आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है, तो इसको इस तरह से आपको कट कर देना है। तो इस तरह से इस पॉकेट को हम बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमने डट का मार्क किया हुआ था, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से एक डट डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपको रखना है और यहाँ तक आपको डट डालना है। तो अच्छी तरीके से पॉइंट बनाते हुए डट डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। और ऊपर भी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट को भी बना लेना है। हम सेकंड पार्ट को बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। करेंगे इन पार्टों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये एक पार्ट रखा हुआ है सीधा, और दूसरा पार्ट हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हमें मिलाकर रखना है, और इसकी जो हम आगे की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इस पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स इस पार्ट को हमें इस तरह से रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मार्जिन को एक साइड की तरफ कर देना है इस तरह से। एक साइड करने के बाद इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि इसको हम, क्योंकि आगे के पार्ट में हमारी बेल्ट रहती है और पीछे की तरफ हमारी जो है इलास्टिक पड़ती है। ये हमारी रेडीमेड स्टाइल से बनाया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी बेल्ट हमने इस तरह से पेस्टिंग कर ली है। तो क्या करना है दोस्तों, एक इंच की पट्टी हमने इस तरह से कट कर ली है। कट करने के बाद अच्छी तरीके से इसको हमने चिपका लिया है, और इस तरह से हमने फोल्ड करके, और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें आप हाफ इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, तो इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन रख लेते हैं और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देते हैं। इस तरह से कट करने के बाद अब इसको हम अटैच करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हमें उल्टा रखना है, और ये जो हमने पेस्टिंग करके बेल्ट चिपकाई हुई है इसको हम इस तरह से उल्टी तरफ से अटैच करेंगे। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम पलट कर रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद इसको लब की सिलाई से हम पक्का कर देते हैं। एक सिलाई हम लब की और लगा लेते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक का पार्ट ले लिया है, ये दोनों पार्ट हमारे एक साथ में रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको रखना है, यानी जो सीधे वाले हिस्से हैं वो हमारे अंदर की तरफ हैं और उल्टे हिस्से हमारी ऊपर की तरफ हैं। तो इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। इस मार्जिन को हम एक साइड में करेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल कर रखते हैं और मार्जिन को हम एक साइड में कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से बैक का पार्ट भी हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम बैक के पार्ट को रखेंगे। रखने के बाद फ्रंट से हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को उठाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये मार्जिन हमने नेफे का लगाया हुआ था पीछे इलास्टिक डालने के लिए, ये हमारा कितना आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे, हम इस तरह से रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं हमें कितना फोल्ड करना होगा। तो यहाँ से हम म्यानी से इसको पकड़ कर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आ रहा है। तो जितना हमने मार्क किया हुआ था वो हमारा बिल्कुल सही था। अब इसको हम फोल्ड करेंगे क्योंकि हम एक इंच का इसको बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, आधा इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा और एक इंच हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इतना हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाता है। इसे लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये हमें एक इंच रखना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक ले ली है और इसमें हम डालेंगे। तो हम कितनी डालेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक को आपको इस तरह से ले लेना है और किसी चीज़ की सहायता से आपको इसमें डाल देना है इलास्टिक को। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालना शुरू करेंगे। इस तरह से इलास्टिक डालनी है और इसके साइड में हम एक सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी जो इलास्टिक है निकलेगी नहीं। इस तरह से हमने इसमें टाँकी लगा ली है। अब दोस्तों इस इलास्टिक को हम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जिससे ये आपकी बैठ जाएगी अच्छी तरीके से। और जैसे आपको इसके बीच सेंटर पर सिलाई लगानी है तो आप इसमें यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से आपको बैक में इलास्टिक डाल लेना है, लगा लेना है इलास्टिक को। आप क्या करेंगे, इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से बैक को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई हुई थी आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉकेट है ये आपका दबना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरह से रखकर इसमें सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस पर इंटरलॉक कर लेना है। दोस्तों आपको इस साइड भी जिस तरह से हमने ये सिलाई लगाई हुई है उसी तरीके से हम इस सिलाई को भी लगा लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद क्या करेंगे, इसके हम पार्ट पर सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें जो हम सिलाई लगाएंगे वो लफ्ट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी पॉकेट है तो यहाँ पर हम टाँकी मान लेंगे पॉकेट के मुंह पर। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ से जो मार्क किया हुआ था तो मोरी हमारी यहाँ से इस तरह से फोल्ड होती है। जैसे आप इसको प्रेस से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रेस से भी इसको तोड़ सकते हैं। जैसे आप इसमें यहाँ पर फ्यूजिंग चिपकाना चाहते हैं तो आप चिपका सकते हैं। हम इसको इसी तरह ऐसे ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे और यहाँ पर जो है हम हाफ इंच मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से आपको जो है मौरी बना लेना है। इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। मौरी फोल्ड करने के बाद इसकी हम साइड लगाएंगे। तो साइड हम किस तरह से लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर हम सेंटर पर थोड़ी सिलाई लगा लेते हैं, ये सेंटर है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे और यहाँ पर हम टाँकी लगा लेते हैं जिससे हमारा जो सेंटर है आउट नहीं होता है। अब इसे हम नीचे से इसको पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी मौरी बनाएंगे। तो जितनी भी आपको मौरी रखनी है, जैसे आपको 11 इंच रखी है तो 5.5 इंच हाफ करके 11 का, तो 5.5 इंच रख लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पैंट कट प्लाजो की स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 बटन लगाएंगे साइड में। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई है वो जल्द से जल्द दे सकें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।